नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721-4113-85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट नंबर भी है 9721-4113-85। इस पे आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एएलटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि हैंडमेड है, पाठ्य पुस्तक से बनाए गए हैं। चलिए आज खबरों की शुरुआत करता हूं। कुछ ऐसे मतलब निराशावादी यूट्यूब चैनल है जो कि पता नहीं क्यों मतलब जो है फालतू की बातों को आपके समक्ष जो है वो परोस रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि जो MHRD होता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, वो एक तरीके से शिक्षा विभाग है पूरे भारतवर्ष का, ठीक है। और उसके अंतर्गत आने वाली संस्था NCTE ये पूरे भारतवर्ष में मतलब जो है BTC को भी मान्यता देती है, JBT को भी मान्यता देती है, DELED को भी मान्यता देती है, BTC को भी मान्यता देती है, DPED, CPED को भी मान्यता देती है, सारी चीजों को मान्यता वही देती है। जब RTE एक्ट आया था सन 2009 में और 2010 में पहली बार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET हुआ था, NCTE ने उसका पूरा गाइडलाइन तैयार किया था कि ऐसे ऐसे परीक्षा होगी, ये खंड उसमें शामिल होंगे, इतने प्रश्न होंगे, इतना टाइमलाइन होगा, इतना जो है अंक पाना जो है मतलब सुनिश्चित होगा। बाद में जब मतलब ओबीसी SC ST को लेकर के विवाद हुआ तो NCTE ने ही इस बात को कंफर्म किया था कि 82 नंबर पाने वाला जो विद्यार्थी होगा रिजर्वेशन कैटेगरी का वो क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है NCTE कोई ऐसी वैसी संस्था है, वो भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित की गई संस्था है और उसको राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार ने ही अथॉरिटी दे रखी है कि वो प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर के शिक्षकों की क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या अर्हता उनकी होनी चाहिए, इसका निर्धारण वो करे, ठीक है। गाइडलाइन जब मिलता है तो वही सारी चीजें जो है वो मानी जाती हैं। और चूंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना, जब समवर्ती सूची का विषय है तो इसमें क्या होता है, राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, ठीक है। राज्य सरकारें अपने नियम के अनुसार, अपने जो है मतलब सुविधा के अनुसार शिक्षकों की अर्हताओं में जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं, जैसी जिसकी वानगी आपने 2011 के टेट में देखी थी कि टेट के मेरिट पे ही अभ्यर्थियों को जो है नियुक्तियां प्रदान कर दी गई थी। बाद में फिर जो है मतलब उसको पात्रता परीक्षा ही माना गया, उसके बाद फिर एजुकेशनल मेरिट आने लगी, फिर अखिलेश जी की सरकार आई थी तो उन्होंने जो है मतलब एजुकेशनल मेरिट, एकेडमिक मेरिट कर दी थी। फिर उसके बाद जो है मतलब सारी चीजें होने के बाद फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने सुपर टेट कर दिया। तो राज्य सरकारें ये चीजें मतलब वो करती रहती हैं, अपने अनुसार जो है उस चीजों को परिवर्तित करती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कैसे शिक्षक रखे जाने हैं, कितनी योग्यता वाले रखे जाने हैं, किस योग्यता वाले रखे जाने, इस बात का निर्धारण NCTE करता है, उसी की गाइडलाइन को फॉलो करती है राज्य सरकारें, ठीक है, ये कन्फर्म है। और जो जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है मेरे भाई, मैं उन महान चैनलों को बताना चाहता हूं, जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला जारी हुआ है विस्तृत आर्डर मैंने भी पढ़ा है, मेरे अधिवक्ताओं ने भी पढ़ा है, सारी चीजें स्पष्ट है। ये जो आर्डर है ये जो मतलब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट के लिए है। राज्य सरकार अगर BEd अभ्यर्थियों का साथ दे रही है, ठीक है, BEd अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है कि भाई हमारे यहां जो इसकी वानगी दिख चुकी है, किस बेस पे बाहर करेंगे आप जो है मतलब BEd प्रशिक्षितों को, आप जो है इसकी वानगी देख चुके हैं, कोर्ट सरकार को स्वयं मजबूर होकर के ये कमेंट देना पड़ गया था कि हमारे यहां योग्य शिक्षक ही नहीं है। 68,500 की भर्ती हुई थी, उसमें 22,500 पद जो है BTC और DELED वाले तो थे, उसमें खाली चली गई थी, महानुभाव इतने योग्य नहीं थे कि 40-45% की कट ऑफ पार कर पाते। इस तरीके के मतलब जो है गधे लोग जो है अध्यापक बनेंगे। और वही जब 69,000 की शिक्षक भर्ती में जो मतलब BEd वाले पहली बार शामिल हुए तो 1,46,460 विद्यार्थी पास हुए 60-65 की कट ऑफ पे। अब सोच लीजिए 1,46,460 विद्यार्थी पास हुए, उसमें से केवल 69,000 की भर्ती हुई, बाकी सब बाहर हो गए।
ये होती है योग्यता। बीएड अभ्यर्थियों के साथ राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खड़ी है, यह उनके स्टेटमेंट में एक बार नहीं कई बार आया है। आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश से किसी भी कीमत पर बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं, अगर जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ना पलट दे तब आप कहिएगा। क्यों? क्योंकि ये अवैधानिक फैसला जो है, मतलब उन्होंने दे दिया है, उनका फैसला केवल और केवल एक पर्टिकुलर स्टेट में लागू हो सकता है, उनका फैसला, वो फैसला नहीं कर सकते कि मतलब जो है उनका कानून जो है, उनका फैसला जो है पूरे देश में लागू हो, ठीक है। और इस चीज का आधार बना करके कोई इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता, आधार होना चाहिए। आपने तो ऐसा फैसला दिया है, हिमाचल प्रदेश के शिमला हाई कोर्ट ने दूसरा फैसला दे दिया, तो इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग निराश ना हो बिल्कुल भी। ये डिमोटिवेट करने वाले जो चैनल हैं, ये मतलब जो है इनका दिमाग अपनी जगह से स्थिर था और हट गया है अपनी जगह से, वो गलत व्याख्या कर रहे हैं इस चीज की, ठीक है ना। जब गलत व्याख्या किसी चीज की होती है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एनसीटीई ने ही बीएड को भी मान्यता दे रखी है, और बीएड को बाकायदा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बाकायदा गजट जारी करके तब बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया था, उसने पूरा जो मतलब आज्ञा पत्र जारी किया था। ऐसे रद्द हो जाएगा? मामूली चीज है, मतलब हलवा है कि बस उठाए फाड़े और फाड़ के जो मतलब फेंक दिए उसको। पूरा गजट तैयार हुआ था, पूरा गजट जारी हुआ था, ठीक है ना। आरटीई एक्ट बनाया किसने? आरटीई एक्ट को बनाने वाली तो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार के सानिध्य में कार्य करने वाली संस्था एनसीटीई है ना, वही तो निर्धारित करती है सारी चीजों को। तो इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो भी प्रशिक्षु नौकरी पाते हैं वो ट्रेनिंग में जाते ही है। क्या बीएड और बीटीसी और डीएलएड वाले ट्रेनिंग नहीं करते 6 महीने की? वो भी तो ट्रेनिंग करते हैं, वो भी तो ट्रेनिंग करते हैं ना। वैसे ही 6 महीने का जो ट्रेनिंग जो है ये भी करते हैं बीटीसी और बीएड वाले विद्यार्थी भी। तो ये जो फैसला आया है इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, ये फैसला जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है और यह फैसला अवश्य ही पलट जाएगा। आप लोग पूरी तन्मयता से तैयारी करते रहिए, ऐसे चैनलों की बातों को सुन करके अपना मन मैला ना करें। मैं आपसे सिर्फ यही सजेशन आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मतलब वो चीजें होंगी तो यही लोग चिल्लाने लगेंगे फिर कि आ गया बड़ा फैसला, बीएड प्रशिक्षु जो है अंदर हो गए। ये सारी चीजें होती हैं, आपने स्वयं देखी होंगी। निश्चिंत रहिए, सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला देगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एनसीटीई भी वहां पे गई है सुप्रीम कोर्ट में। एक बार यह मामला और जा चुका था, उसमें बीएड प्रशिक्षितों की ही जीत हुई थी, एनसीटीई की ही जीत हुई थी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आपके साथ है, आप पे आशीर्वाद है उनका। निश्चिंत रहिए, आप बाहर नहीं होंगे। और एक प्रमुख अपडेट मिल रही है आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के जो मतलब सूचना प्राप्त हो रही है संशोधन आदि के लिए, बहुत जल्दी ही कल परसों की डेट में लोक सेवा आयोग में बैठक होने चल रही है, तो संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। आपके जो है मतलब एसएसटी के लिए उसमें चर्चा होगी, आपके जो है मतलब कला के लिए उसमें चर्चा होगी, हिंदी के लिए चर्चा होगी, संगीत के लिए चर्चा होगी। और निश्चित है कि आपके जो है मतलब अपेक्षाओं को इसमें जीत अवश्य मिलेगी, निश्चित है इस चीज के लिए। और मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं सॉरी और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपका विज्ञापन इसी हफ्ते में आना तय है। इस हफ्ते में जो मतलब जो सूचना मिल रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विज्ञापन पे कार्रवाई आरंभ हो चुकी है और विज्ञापन आपका यथाशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। 12,994 पदों पर है, और जो मतलब इस बात को स्पष्ट कर चुका है लोक सेवा आयोग, बहुत जल्दी जो है मतलब विज्ञापन आपका आपके सम्मुख आएगा। और सुपर टेट आदि के लिए जो है मतलब शासनादेश लगभग लगभग जारी ही हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि चुनाव को पहले हम एक ऐतिहासिक भर्ती करेंगे प्राथमिक स्तर पर, और इसमें जो मतलब पहले की तरह भर्ती होगी जैसे आपकी होती आई है 69,000 शिक्षक भर्ती, वैसे ही भर्ती होगी इसकी भी।
आप लोग पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी से तैयारी करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो और आलतू फालतू के चैनलों का अवलोकन बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको डिमोटिवेट करते हैं, कभी आपको मोटिवेशन नहीं दे सकते। मोटिवेशन देने के लिए थोड़ा सा जिगरा चाहिए। सिर्फ जो है मतलब इस तरीके की खबरें फैला करके, इस तरीके का थंबनेल लगा करके आप अभ्यर्थियों को निराश ना करें, आपसे विनम्र निवेदन है ये मेरा। क्योंकि विद्यार्थी बड़े ही उम्मीद और बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ तैयारी करते हैं। आप किसी भी हाई कोर्ट के फैसले का गलत व्याख्या ना करें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर राज्य के का न्यायिक क्षेत्र है और उनका न्यायिक क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं हो सकता। तो भले ही यहाँ पे मतलब जो है बीएड अभ्यर्थी हारे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देगा सारी चीजों को। तो आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आपके साथ है। विज्ञापन आपके यथाशीघ्र जारी होने वाले हैं और इन विज्ञापनों में आपको अंतिम अवसर मिलेगा। उस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए ताकि आपकी जिंदगी वो जो है मतलब एक नई दिशा और दशा को प्राप्त हो सके। बाकी तैयारी करना, पढ़ना और जो है मतलब मैटर आदि लेना या मतलब उसमें रुचि दिखाना, ये आप पे है, आपकी इच्छा पे। आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें मत लीजिए, आपकी इच्छा पे है। कैसे तैयारी करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके की तैयारी करना चाहते हैं, ये आप पे है। मैटर आदि हम उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है, लेना आपको है, नहीं लेना आपको है। दैट्स क्लियर, ये कन्फर्म है, एकदम से कन्फर्म है। जिन विद्यार्थियों ने मैटर आज बुक किए थे उनके मैटर जो है मतलब आजकल में सेंड हो रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के सेंड भी हो चुके थे। लगभग 90 विद्यार्थियों के जो मतलब सेंड किए गए थे अभी 3-4 दिन पहले। कुछ विद्यार्थियों को प्राप्त भी हो चुका है, कुछ विद्यार्थियों को मिल भी जाएगा बहुत जल्दी। और जिनके अभी लेटेस्ट में मतलब जो है बुक हुए हैं उनके भी मैटर की पैकेजिंग की जा रही है। कल की डेट में 25 लोगों का जो है निकल चुका है, आज की डेट में भी लगभग 80 लोगों का जो है वो मैटर निकल जाएगा। निश्चिंत रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी के साथ है। याचिका नंबर हमारी मंडे को हमें मिल जाएगी और जो मतलब उस पर सुनवाई भी अगले हफ्ते प्रस्तावित है, अगले हफ्ते सुनवाई उसकी होगी। तो जो भी याची हमारे भाई बंधु हैं वो जो मतलब इसमें लाभ की स्थिति में होंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित हो गया है, 20 दिसंबर के पहले पहले वो विज्ञापन आ जाएगा। तो आप लोग पूरी तैयारी से जुटे रहिए और ऐसे जो मतलब डिमोटिवेट करने वाले चैनलों को आप जो है मतलब इग्नोर करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके मन को जो है मतलब विचलित करते हैं। बाकी इनके खबरों में कोई ना तो सच्चाई होती ना दम होता है, ठीक है ना। लकीर के फकीर बन करके कोई चीजें नहीं करनी है, जो सच्चाई है वो पब्लिक को, वो छात्रों को बताना आवश्यक होता है। क्या कभी उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री ने, किसी जो है मतलब जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बयान दिया कि जो है प्राथमिक स्तर से हम बीएड को बाहर कर देंगे? ऐसा कभी हुआ? यहां पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह ये मैटर था, लेकिन जीत किसकी हुई थी? एनसीटीई की हुई थी। जीत किसकी हुई थी? बीएड विद्यार्थियों की हुई थी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सरकार जो चाहती है, एनसीटीई जो चाहती है वही होता है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के इन सारी चीजों को जो है मतलब वो करिए, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस केस की सुनवाई करवाएंगे और वही केस लड़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, एमएचआरडी को अथॉरिटी है कि नहीं है, एनसीटीई को हड़ताल निर्धारित करने की अथॉरिटी है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही क्लियर कर देगा। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, विचलित मत होइए, भ्रम में मत पड़िए, किसी कीमत पर आप लोग बाहर नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस करिए अपनी तैयारियों पर और एक सीट अपना सुनिश्चित कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।